दूरदर्शन में आपका स्वागत है और मैं हूं राजेश तिवारी। शहादतों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ ही आक्रोश मार्च आम नागरिकों के द्वारा और युवाओं के द्वारा शहर में निकाली गई, जिसमें पाकिस्तान के विरोध में जमकर नारेबाजी करते हुए वंदे मातरम और भारत माता की जय का नारे भी युवाओं ने लगाया। हाथों में तिरंगा झंडा लिए शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए नौजवानों ने पाकिस्तान के विरोध में जमकर अपनी आवाज बुलंद किए। जवानों पर हमला आत्मघाती हमला के विरोध में बंद समर्थकों ने आज आरा शहर की विभिन्न दुकानों को बंद कराया, साथ में पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी भी किए और कहा कि पाकिस्तान का इसका बदला अवश्य लेनी चाहिए। Yeah.
के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आरा शहर के विभिन्न दुकानदारों ने अपनी प्रतिष्ठानें बंद रखी। पूरे दिन अपनी प्रतिष्ठानें बंद कर इस घटना के विरोध में आक्रोश व्यक्त किए। निजी विद्यालय की ओर से कश्मीर में हुई सीआरपीएफ के जवानों पर इस हमले के विरोध में हवन भी कार्य किया गया। इस हवन कार्य में विद्यालय के छात्र छात्राओं ने भाग लिया और कहा कि इसमें जो मृत जवान हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी किया गया। देखो ये करो ना। भर्गो देवस्यः धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। भर्गो देवस्यः धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तद्धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्यः धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। थोड़ा सा चलिए ये कर लें। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्यः धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्यः धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। भर्गो देवस्यः धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तद्धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्यः धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। थोड़ा सा चलिए ये कर लें। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्यः धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो या किसी भी शुभ कहीं इस तरह की घटनाएं नहीं। चलिए अब अपने अंदर से बस गायत्री मंत्र गाएंगे अपने अंदर और प्रार्थना करेंगे ईश्वर से ऐसी घटनाएं कहीं नहीं हो।
दुखी हो गए। क्यों दुखी हुए? हमारे चक मारे गए, दर्शक मारे गए। ये देश के लिए बहुत ही दुख का दिन है, एक काला दिवस है हम समाज के लिए। क्यों? हम बिकाऊ हैं, समाज कुछ लोग बिकाऊ हैं। क्या करते हैं? अपने देश के लिए कितने काम नहीं करते हैं, देशद्रोह का काम करते हैं, बताई करते हैं। जो गाड़ियाँ इस गाड़ी को विस्फोट किया गया, वो गाड़ी भारत की बनी हुई थी। जो विस्फोटक आया सब भारत बना हुआ था। कैसे लोग आ गए? लोग हमारे नेता आते हैं, है ना। क्या कहा जाता है कि एक परिंदा पर नहीं मार सकता। आज जो हमारे इतने सैनिक जा रहे हैं, इनको शिक्षा की कोई चुप नहीं हुई। हमारे यहाँ आई भी है, हमारे यहाँ सी भी आई है, अनेक स्वतंत्र हैं सब। क्यों? कैसे फेल हो गए? कैसे फेल हो गया लोग? सब स्वतंत्र में फेल हो गया, क्योंकि हम भी काम हैं। हम नेता हो, हम जनता हो, हम भारत में संतान होते हुए भी हम संतान नहीं है। आज भारत में रो रही हैं, खिचक रही हैं। माँ क्या कहती हैं? माँ कहती हैं, कहाँ गया मैं लाल बहादुर, क्या अगर कहाँ गया राजेंद्र, मेरे बेटे मारे, मेरे सीने में खून गया। बस का दिवस है हम समाज के लिए। क्यों? हम बिकाऊ हैं, समाज कुछ लोग बिकाऊ हैं। क्या करते हैं? अपने देश के लिए कितने काम नहीं करते हैं, देशद्रोह का काम करते हैं, बताई करते हैं। जो गाड़ियाँ इस गाड़ी को विस्फोट किया गया, वो गाड़ी भारत की बनी हुई थी। जो विस्फोटक आया सब भारत बना हुआ था। कैसे लोग आ गए? लोग हमारे नेता आते हैं, है ना। क्या कहा जाता है कि एक परिंदा पर नहीं मार सकता। आज जो हमारे इतने सैनिक जा रहे हैं, इनको शिक्षा की कोई चुप नहीं हुई। हमारे यहाँ आई भी है, हमारे यहाँ सी भी आई है, अनेक स्वतंत्र हैं सब। क्यों? कैसे फेल हो गए? कैसे फेल हो गया लोग? सब स्वतंत्र में फेल हो गया, क्योंकि हम भी काम हैं। हम नेता हो, हम जनता हो, हम भारत में संतान होते हुए भी हम संतान नहीं है। आज भारत में रो रही हैं, खिचक रही हैं। माँ क्या कहती हैं? माँ कहती हैं, कहाँ गया मैं लाल बहादुर, क्या अगर कहाँ गया राजेंद्र, मेरे बेटे मारे, मेरे सीने में खून गया। कैंडल जला करके शोक संवेदना प्रकट किए थे। आप देखे होंगे हम लोग प्रार्थना में किए थे, वो किस लिए किए थे पता है आप लोगों को ना? कोई बताएंगे किस लिए? हाँ बताओ बेटा। शांति के लिए, और हमारी शहर में कोई ऐसी घटना तो घटना क्या हुई थी कोई बताएंगे? कोई बच्चे छात्र बताएंगे कोई? हाँ बताइए आप क्या घटना हुई थी। लगभग 40 से 44 सैनिक अपने देश के शहीद हो गए। परसों कुछ ऐसे तत्व थे जिसको आप कह सकते हैं, हम कह सकते हैं आतंकवादी लोग थे, जो कि एक गाड़ी में बम या कुछ एक्सप्लोजन रख करके वहां से टक्कर लगाए बस में जो आ रहे थे सैनिक लोग। उसके कारण वहां लगभग 40 से 44 सैनिकों का जो है मृत्यु हो गई, शहीद हो गए। ये घटनाएं हमारे आसपास ना हो, इस तरह की चीज़ें को जो भी कहीं भी हो, या हम आप अपने आरा में हो या फिर किसी देश के किसी कोने में हो, इस तरह की घटना कब नहीं होगी, कब रुकेगी? जब हम सभी सबसे पहले अपने आप से शुरू करेंगे। अपने घर में हमारे आसपास माहौल कैसा है, सौहार्दपूर्ण है कि नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग एक साथ रह रहे हैं कि नहीं, रहने के साथ साथ उनकी विचार एक हो रही है कि नहीं। ठीक है हम लोग धर्म से अलग अलग हैं, लेकिन हमारा देश तो एक है। उस देश के लिए, उस जमीन के लिए, उस धरती के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? जब तक हम लोग मिलकर के अच्छा नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं अपने देश के लिए, उस तरह से काम नहीं करेंगे। और विशेष रूप से मैं बोलूँगा कि हम सभी जितने भी भारत में विद्यालय हैं, या तो सरकारी हो या गैर सरकारी, सभी विद्यालयों में देश प्रेम की भावना सबसे जरूरी है कि बच्चों में दिया जाए। पढ़ाई तो एकदम जरूरी है, बच्चों को मिलनी चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल ना होकर करके हम लोग देश प्रेम की बात करें बच्चों के बीच। और बीच बीच में देश में जो घटनाएं अच्छी जो चीज़ें हो रही हैं, या जो भी घटनाएं हो रही हैं जो कि बच्चों को और समाज को मैसेज मिले, उस तरह की घटनाओं को हमें बच्चों के बीच रखना होगा, जिससे कि बच्चे भी अवगत हों उस चीज़ से, उस वस्तु से, उस वस्तु स्थिति से, कि आगे उस तरह की घटना। हमारे बच्चे ही आज छोटे हैं, कल एक अच्छे छात्र होंगे, फिर बड़े होंगे, एक देश के नागरिक अच्छे होंगे, फिर एक अभिभावक बनेंगे, शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर, इसी में से बनेंगे। वो कैसे होगा अच्छा, जब तक हम लोग अपने देश के प्रति समर्पण की भावना ना रखेंगे। समाचारों में अभी और भी है, आप देखते रहिए भोजपुर दर्शन। आंख नहीं तो संसार नहीं। आंखों का संपूर्ण जांच आधुनिक मशीनों एवं कुशल डॉक्टरों के द्वारा कराने के लिए आपका अपना एसआर हॉस्पिटल, जहां उचित मूल्य पर सालों भर फेको मशीन के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन, आंखों की पर्दा की फंडस फोटोग्राफी की आधुनिक मशीन,
स्वच्छ एवं वातानुकूलित व्यवस्था के साथ ही वार्ड की भी सुविधा। संपूर्ण आंखों के इलाज के लिए संपर्क करें एसआर हॉस्पिटल, डीएम कोठी रोड, पीर बाबा मोड़ के पास आरा। संपर्क नंबर है 06182-248789। मोबाइल नंबर है 9065-441-442। शादी विवाह के शुभ अवसर पर हॉलमार्क ज्वेलरी सोना चांदी के फैंसी गहनों के साथ आकर्षक साड़ियों के विक्रेता लल्लू शाह एंड सन्स ज्वेलर्स एवं साड़ी वाला जेल रोड मैना सुंदर धर्मशाला के पास आरा, जहां एक ही छत के नीचे अब गहनों के साथ कपड़े भी खरीदें। डायमंड ज्वेलरी एवं ब्रांडेड ज्वेलरी के एक से बढ़कर एक डिजाइन किए हुए गहनों की खरीदारी एकमात्र भव्य शोरूम में, जिसका नाम है लल्लू शाह एंड सन्स ज्वेलर्स एंड साड़ी वाला, जिसका पता है मैना सुंदर धर्मशाला के पास जेल रोड आरा। मैं तैनू समझावांगी ना तेरे बिना लगता जी। ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय फ्रॉम प्ले टू स्टैंडर्ड 10 विथ 3D प्रिंटिंग एंड रोबोटिक्स। ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय बामपाली आरा। बासु ITI NCVT DGET से मान्यता प्राप्त, आप सभी के सहयोग से लगातार 4 वर्षों से सफल होंडा कंपनी अहमदाबाद 2-व्हीलर्स और मैन फोर्स टाटा झारखंड 4-व्हीलर्स दोनों कंपनियों में लगभग 50 छात्रों की नियुक्ति तथा 100% छात्रों की नियुक्ति के लिए प्रयासरत। इलेक्ट्रीशियन, हीटर, डीजल मैकेनिक इत्यादि की तैयारी के लिए संपर्क करें बासु ITI कुल्हरिया आरा भोजपुर। मोबाइल नंबर 9430032301 9334192301। शाहबाद की सर्वाधिक पुरानी, लोकप्रिय एवं लाखों संतुष्ट ग्राहकों की अपनी दुकान कुमार एंड सन्स ज्वेलर्स, आपको मिलता है 75% तथा 91.6% हॉलमार्क सोने के जेवरों के साथ शुद्ध चांदी के गहने, चांदी के बर्तनों के अलावा ब्रांडेड हीरे के जेवर तथा ग्रह रत्नों के विक्रेता। हीरे के जेवरों पर फ्लैट 15% की छूट पाने के लिए अवश्य पधारे शाहबाद की सर्वाधिक पुरानी आपकी अपनी दुकान हरखेम कुमार एंड सन्स ज्वेलर्स गोपाली चौक। के उज्जवल भविष्य के लिए अंत वातावरण में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु संपर्क करें बालिका उच्च विद्यालय महादेवा रोड आरा। बंधुओं कृपया ध्यान दें, रामा डेंटल हॉस्पिटल सर्किट हाउस के सामने पकड़ी चौक आरा, जहां निशुल्क मुंह एवं दांतों की बीमारियों का अनुभवी दंत चिकित्सकों के द्वारा इलाज किया जाता है। समय सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक। पता याद रखें, रामा डेंटल हॉस्पिटल सर्किट हाउस के सामने पकड़ी चौक आरा। जीवन में भरिए खुशियों के रंग, डॉक्टर्स की पूरी टीम है आपके संग। जी हाँ, डॉक्टर्स की पूरी टीम है आपके संग, खर्च कम सुविधा अधिक रामा डेंटल हॉस्पिटल। जी हाँ, शहर का सबसे किफायती एवं विश्वसनीय दंत चिकित्सालय, निशुल्क मुंह एवं दांतों की बीमारियों का इलाज, वरिष्ठ एवं अनुभवी दंत चिकित्सकों की टीम द्वारा विश्व स्तरीय इलाज प्रदान किया जाता है। आज ही पंजीयन कराएं। पंजीकरण अवधि सीमित समय तक। विशेष जानकारी एवं सेवाओं के लिए संपर्क करें सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक, रामा डेंटल हॉस्पिटल सर्किट हाउस के सामने पकड़ी चौक आरा भोजपुर। ब्रेक के बाद भोजपुर दर्शन में पुनः आपका स्वागत है। कश्मीर में हुई CRPF के जवानों पर हमले के विरोध में आम जनता और राजनीतिक दल के लोगों को क्या है विचार, आइए सुनते हैं उनकी प्रतिक्रिया। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसमें हमारी इनर जो सिक्योरिटी है उसकी विफलता है कि इस तरह के लोग जो बाहरी देशों के
सहयोग से देश के अंदर में प्रवेश कर जाते हैं और इस तरह का अंजाम देते हैं। और ऐसे अंजाम देने वाले जो लोग हैं वैसे उन लोगों को सबक सिखाना चाहिए और भारत को, भारत सरकार को खुलकर इसमें अगली शक्ति से जबरदस्त अटैक करना चाहिए। ये मुझे लगता है कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में जो लड़ाइयाँ पाकिस्तान के साथ हुई थी उसको अगर छोड़ दिया जाए तो यह सबसे बड़ी घटना है। इतना बड़ा 42 का आंकड़ा पार कर लिया हमारे सैनिकों, सीआरपीएफ के सैनिकों को जिस तरह से आत्मघाती दस्ते से उड़ाया, यह साबित करता है कि इस देश के अंदर हमारा इंटेलिजेंस फेल हो चुका है, हमारी व्यवस्था फेल हो चुकी है, हमारी सरकार फेल हो चुकी है, हमारा गृह मंत्रालय फेल हो चुका है, हमारा विदेश मंत्रालय फेल हो चुका है, कहीं कुछ है नहीं। अगर कहीं कुछ रहता, और ये पहली घटना नहीं है, ये बार बार घटना हो रही है, और हमारा देश का इंटेलिजेंस उसको पता भी नहीं कर पा रहा है। हमारा देश के सुरक्षा, अगर हमारा सेना स्वतंत्र है जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री का बयान भी आया था, तो स्वतंत्र सेना अब तक क्या कर रही है, क्यों नहीं पाकिस्तान पर अटैक हो रहा है, हम कब तक कुर्बानियां देते रहेंगे, कब तक अपनी माँ बहनों के सिंदूर उजाड़ते रहेंगे, कब तक, आखिर यह सिलसिला कब खत्म होगा। आक्रोश होता है, आक्रोश तब होता है कि एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते जब हम महसूस करते हैं कि हमारा देश असुरक्षित है, हमारे जो सेना, सेना हमारी सेना असुरक्षित है। जहां सेना जिस देश की असुरक्षित होगी उस देश की जनता सुरक्षित कैसे रह सकती है। प्रधानमंत्री जी सोचिए, कुछ करिए, दो मारोगे 12 मार के लाएंगे, दो सर काटोगे 4 सर काट के लाएंगे, यहां तो सर क्या, और यहां तो आपके घर में घुस करके, आपके आंगन में घुस करके, और जिस तरह से आपको मारा जा रहा है, और आप यात्रा करते हैं प्रधानमंत्री के माँ को साड़ी भेंट करते हैं, बिरयानी खाते हैं, तो वो बिरयानी कहीं ना कहीं वसूलेगा ना, आपको बिरयानी खिलाया तो बिरयानी कहां से वसूलेगा, हमारे शहीदों के खून से वसूलेगा, और वह खून से वसूल रहा है। प्रधानमंत्री जी इतिहास को पढ़िए, इतिहास को पढ़िए, बांग्लादेश का विभाजन देखिए, 1,00,000 से ज्यादा सैनिकों के साथ इंदिरा गांधी ने आत्मसमर्पण करा दिया था इसी पाकिस्तान को, 1,00,000 से ज्यादा सैनिकों के साथ, और युद्ध बंदी बनाकर के लाखों सैनिक लाए गए थे, आप 4 या 10 की बात करते हैं, पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, एक देश का निर्माण करा दिया, तो ये ताकत होती है। और उस समय आज के तरह आधुनिक हथियार नहीं थे, आज के तरह इक्विपमेंट्स नहीं थे, आज के तरह बम बारूद नहीं थे, आज के तरह लड़ने के लिए वैसे जज्बा नहीं थे, सारी चीजें नहीं थी। उसके बाद सोचिए, अब अगर अब कुछ नहीं हुआ तो मुझे नहीं लगता है यह सरकार अपने से मान ले कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं और हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। चुनाव भी आ रहा है, जनता भी देख रही है, भैया हमारा सेना अगर सुरक्षित नहीं है तो हमारी सरकार की कोई जरूरत, ऐसी सरकार की कोई जरूरत नहीं। जम्मू कश्मीर में उग्रवादियों द्वारा हमले से मैं काफी दुखी हूं और इसका कठोर निंदा करता हूं और सरकार से अनुरोध करता हूं कि इसके जवाब पत्थर से लिया जाए, मैं उनके साथ। क्या इसके लिए आप केंद्र सरकार को दोषी मानते हैं? केंद्र सरकार की दोषी ये खुफिया विभाग और केंद्र का कुछ तो कमी है, कहीं ना कहीं चुप हुई है हमारे द्वारा, सरकार द्वारा, तो इसको इस तरह का चुप नहीं होना चाहिए। और इसका जो भी ऐसा किया है निंदनीय है और इसका हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। पहले तो हम इस घटना में शहीद अपने 42 जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनके परिवार के साथ हम खड़े हैं और दुख सहने की क्षमता दे परिजनों को। और हम यह मांग करते हैं कि जो 56 इंच वाले सीने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो उन्होंने कहा था कि 1 सर के बदले 10 सर लाए, तो हम जितना ही कहेंगे कि राजनीति बंद हो, पहले आप इन सैनिकों का
जो शहादत हुआ है उस शहादत का बदला लिया जाए। पूरा देश उन सैनिकों के सम्मान में खड़ा है। पाकिस्तान एक बुजदिल देश है और बुजदिलों की तरह उसने हमारे सैनिकों को जो शहीद किया है उसका जवाब तो हम लोग देंगे ही, ठीक ना। और पाकिस्तान के बारे में क्या कहना है, वो तो नवजोत सिद्धू बता ही रहे हैं, तो उनसे सिर्फ बात करना चाहिए। क्या बात करना चाहिए? सिद्धू जैसे देशद्रोही को पर पहले लगाम लगाना चाहिए। महबूबा मुफ्ती है, भारत सरकार को उस पर लगाम लगाना चाहिए और हमारे सैनिकों को खुली छूट दे देनी चाहिए कि पाकिस्तान को हिंदुस्तान में मिला लेना चाहिए। कुछ लोग कहना है कि घटना होने से पहले ही खबर मिल चुकी थी, फिर भी सेना सतर्क नहीं हुआ था। देखिए वो तो रक्षा चूक हुई है तो सरकार जानेगी, इसके बारे में हम क्या जानते हैं कि उनको खबर मिली थी या नहीं मिली थी। लेकिन जो कायरतापूर्वक ये हमला हुआ है उसकी हम लोग जवाब मांगते हैं भारत सरकार से, अपने सैनिकों से, कि हम लोग को इसका जवाब चाहिए। तुम देखा जाए तो सबसे बड़ा अभी आतंकवादी हमला हुआ है। देखिए यह जो कायरतापूर्वक हमला हुआ है इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। पूरा देश आज उन शहीदों के साथ है, हमारी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ है। इस हमले की जितनी निंदा की जाए वह बहुत कम है। साथ ही मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि यह जो हमला हुआ है कहीं ना कहीं इसमें हमारी देश की सुरक्षा एजेंसी भी जिम्मेदार है। जब इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ने 8 तारीख को ही बता दिया था कि 12 तारीख को इस तरह का हमला हो सकता है, तो फिर 13 तारीख को इतना बड़ा हमला हो गया, कहीं ना कहीं यह बहुत ही बड़ी सुरक्षा में चूक है। और जो भी इसके लिए दोषी हैं हम लोग चाहते हैं उन पर भी कार्रवाई हो। जहां तक बात है आतंकियों की, तो यह जो आतंकी हैं इन्हें कौन पनाह देता है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। पाकिस्तान के द्वारा यह लोग पनाह दिया जाता है, उसके बाद वहाँ से फंड मुहैया कराया जाता है, लेकिन भारत के लोग भी अब उसका जवाब दे रहे हैं। और हम इस सरकार से, 56 इंची सरकार से, हम यही चाहेंगे कि जितना जल्दी हो सके वह जवाब दें। जैसा कि आज हम लोगों ने देखा, मोदी जी लंबी लंबी भाषण दे रहे थे, तो उनके भाषण मुझे तो देख करके टीवी पर ऐसा लग रहा था कि बस वो उन्होंने आज भाषण दिया और उनका जो भाषण है बोली के रूप में पाकिस्तान में तोप का गोला बनकर फूट रहा है और पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है, इस तरह का भाषण आज मुझे लग रहा था। पूरा देश अभी सदमे में है, गुस्से में है, इसका बदला लिया जाना चाहिए। पैसे बता दीजिए। अब इसमें कहने वाली बात ही कोई नहीं है। जो आतंकवादी हमारे एक एक लाखों में से चुने गए एक एक सैनिक, जो कि इतने लाखों में से चुन चुन कर एक सैनिक हमारी सुरक्षा के लिए खड़ी की जाती है, उन एक सैनिकों को अगर एक को कोई मारता है तो हमको एक नहीं 1 लाख मरते हैं। एक के बदले हम लोग 1 लाख हैं, हमारे 15 लाख सैनिक हैं, उसमें से अगर किसी को मारा जाता है, अगर वो 42 को वो लोग मारे तो 42 लाख जनता को मारे हैं। ये ध्यान देना चाहिए सरकार को और जितनी भी पार्टियां हैं, इस सब में राजनीति को छोड़ के देश हित सबसे ऊपर होता है। हम लोग आज तक सुनते आए हैं कि जैसे कि सबसे ऊपर, सबसे सर्वोपरि हमारा देश है। देश के बारे में अगर कोई भी उल्टा सीधे या कुछ कहता है तो उसके खिलाफ़ हम लोग हैं। जो देश के सैनिकों को मारेगा उसके खिलाफ़ हम लोग हैं। और इसके फिर से सर्जिकल स्ट्राइक सुनने में आ रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक, बहुत बड़े पैमाने पर सर्जिकल स्ट्राइक होना चाहिए कि आइंदा कोई ऐसा करने की हिमाकत न करे। यही हमारी सारी जनता से, सरकार से भी, जनता से भी, सभी लोग से गुजारिश है कि ऐसे ऐसे जो भी देश के खिलाफ कोई कार्य करता है, छोटा मोटा कोई कार्य कीजिएगा, कुछ गलत पकड़मारी में चल जाइएगा, जेल 2 दिन चल जाइएगा, पकड़ा जाइएगा। तो इतने बड़े बड़े जो सैनिकों को, लाखों में से एक तैयार किए गए सैनिकों को जो मारता है, वो लोग आराम से घूम रहे हैं। और उनके साथ भी कितने यहाँ के हमारे मतलब राजनीतिक पार्टियों के लोग भी उनका साथ देते हैं, उनके साथ रहते हैं। इस पर हम कहना चाहेंगे कि देश ही सबसे ऊपर है, इसमें सभी को छोड़कर देश के लिए साथ में आना चाहिए। और जितने भी आतंकवादी इसमें संलिप्त हैं, जो भी जैसे जैसे मोहम्मद का नाम आ रहा है, कल हमने पेपर में देखा था, उनको यहाँ से लेकर पूरे
वर्ल्ड लेवल की जो संस्था है उन लोगों के द्वारा इसको बैन किया जाना चाहिए और जितने भी हैं उनको खोज खोज के गोलियों से छलने किया जाए कि आज तक आज के बाद वो ऐसा करने की सोचे नहीं, जितने भी लोग हैं ऐसा करने की आइंदा सोचे नहीं। बहुत व्यक्तिगत तौर पर ही नहीं पूरे देश की तरफ से जिस तरह से आक्रोश फैला हुआ है और हमारे जो जवान उनकी शहादत को हम कभी भुला नहीं सकते हैं। क्यों भूल सकते हैं हमारे जवानों की शहादत को? आपने जिस तरह से देखा कि जिस बेरहमी के साथ आतंकियों ने हमारे शहीद भाइयों पर हमला किया वो कहीं ना कहीं इस देश के लोकतांत्रिक लोकतंत्र पर हमला है और हम सब देशवासियों के लिए चुनौती का सबक है और खास करके ये जो हमारी सरकार है उनके लिए चुनौती का सबक है कि आखिर हम कहीं ना कहीं आतंकवाद की परिभाषा को नहीं समझ पा रहे हैं और हम सिर्फ आलोचना और निंदा करने में अपना समय व्यतीत कर देते हैं और विपक्षी हमारे जवानों को मार करके चला जाता है। क्या आप मानते हैं 2016 के बाद की ये सबसे बड़ी घटना है? बिल्कुल मानने की विषय इस चीज़ में नहीं है क्योंकि जिस तरह से देखें आप 42 सैनिक भाइयों की शहादत को हम कैसे भूल सकते हैं? आखिर इस देश के नौजवान जो कि अपना हर एक चीज़ निछोड़ करके देश की सेवा के लिए जाते हैं सीमा पर लड़ने के लिए और आखिर उन्हें क्या मिल पाता है हम देख पाते हैं। हम देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि देश के अंदर जो भी नेता हैं जम्मू कश्मीर के अंदर जो भी हुर्रियत नेता हैं सबसे पहले सरकार को उनसे निपटने की आवश्यकता है क्योंकि जब तक ये हुर्रियत नेता अपनी जबान को बंद नहीं रखेंगे अपनी गंदी जबान के उनको खोल करके ये जम्मू कश्मीर में दंगा और फसाद फैलाते हैं और उसका परिणाम हमारे देश के सैनिक भुगतते हैं। देश की नरेंद्र मोदी सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं? नरेंद्र मोदी की सरकार लोकतांत्रिक प्रणाली की सबसे मजबूत सरकार है कि कोई चीज़ कहने की आवश्यकता नहीं है। नरेंद्र मोदी की जो 56 इंच की जो सीने की बात करते हैं सही समय है नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी आप अपने सीने का सही जगह पर इस्तेमाल कीजिए। देश आपके 56 इंच की जो सीना है उसको देखने के लिए बेताब है। सिंह सिद्धू जी ने पाकिस्तान दौरे के बाद कहा था कि भारत के साथ पाकिस्तान को समझौता कर लेना चाहिए। नवजोत सिंह सिद्धू जैसे कुकर्म नेताओं को इस देश से निकाल करके भगा देना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि जिस तरह से नाम निकल करके आते हैं आतंकवादियों के तो क्या वो किसी धर्म से नहीं होते हैं? क्या आप कौन सी गंदी राजनीति करते हैं? इस देश की लोकतांत्रिक प्रणाली में क्या आपको रहने का अधिकार नहीं है? क्या इस देश के अंदर जो सैनिक भाई अपनी जान गंवाते हैं उनके अंदर मरहम न लगा करके आप उन पर तेजाब छिड़कने का काम करते हैं? क्रीड़ा भारती की ओर से वीरकुंवर सिंह मैदान में सूर्य नमस्कार सह प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर विभिन्न विद्यालय के छात्र छात्राओं ने प्रातः काल में सूर्य नमस्कार कर व्यायाम किए, वहीं दूसरी तरफ जो शहीद हुए विधवाओं को सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर काफी संख्या में भाजपा की बड़ी नेताओं उपस्थित थे। साथ में क्रीड़ा भारती के अध्यक्ष अमरेंद्र चौबे ने सभी को बधाई दिया और शहीद हुए जवानों के प्रति 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। शहीद जवान आप सभी कहेंगे अमर रहे। बलिदानियों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। भारत आज के सिर्फ 9 अक्षर में अपनी सारी बात कह दी कि सेना को खुली छूट दे दी गई है, इसलिए सबसे पहले हम कार्यक्रम की अपनी शुरुआत करें। जो हरकतें हुई है
अपने देश पर। कश्मीर में हुई इस हमले के विरोध में विद्यालय हो या आम जनता, सभी में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। एक निजी विद्यालय की ओर से विद्यालय के छात्र छात्राओं के द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया, जो जेपी स्मारक के पास पहुंचा और सभी ने श्रद्धा सुमन शहीदों के प्रति अर्पित किए। उधर से एक साथ चाहो, एक साथ चाहो। अरे बाबू एक साथ चाहो ना, आप लोग इधर सुनिए। देखते हुए राजद कार्यकर्ताओं ने एक बैठक आहूत किया। इस बैठक के माध्यम से बूथ स्तर पर अपनी मजबूती बनाने पर राजद कार्यकर्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। राजद की बैठक में पटना में होने वाले रैली के संदर्भ में भी अपनी विचार विमर्श किया गया। यहाँ जो भी बैठे हुए हैं, आए हुए हैं, जिला के राजद के जुझारू साथी गण, मुझे एक बात यही कहना हो, एक बात मैं कहूँगा कि ये जो राजद एक परिवार था, मजबूत परिवार था, जिसे आज देखने पर जिला की आज जो मीटिंग बुलाई गई है, इसमें जो उपस्थितियाँ हैं वो बहुत कम मात्रा में नजर आ रही है। जो तेजस्वी यादव, माननीय तेजस्वी यादव जी का ये प्रोग्राम होने जा रहा है और इस तरह का उपस्थिति रहेगा तो आज जिले का हालत क्या होगा। यहाँ जो भी बैठे हुए हैं, आए हुए हैं, जिला के राजद के जुझारू साथी गण, मुझे एक बात यही कहना हो, एक बात मैं कहूँगा कि ये जो राजद एक परिवार था, मजबूत परिवार था, जिसे आज देखने पर जिला की आज जो मीटिंग बुलाई गई है, इसमें जो उपस्थितियां हैं वो बहुत कम मात्रा में नजर आ रही है। जो तेजस्वी यादव, माननीय तेजस्वी यादव जी का ये प्रोग्राम होने जा रहा है और इस तरह का उपस्थिति रहेगा तो आज जिले का हालत क्या होगा। कहते हैं कि वो कमजोर हमारी पार्टी है, पार्टी हमारी काफी मजबूत है, लेकिन उन्हें जाकर के कहते हैं कि वो कमजोर हमारी पार्टी है, पार्टी हमारी काफी मजबूत है, लेकिन उन्हें जाकर के कि वो कमेटी का गठन करें और हर वर्ग से सुवर मुंह छू करके इस दल को इतनी मजबूती दी जाए ताकि मुझे अफसोस ना हो, अफसोस की बात ना करना पड़े। हमारे जैसे लोग, हमारे जैसे जब दिल पर चोट पहुंचती है कि इस दल को हमने, माननीय लालू प्रसाद जी का मैं सम्मान करता हूँ, ऐसे लालू प्रसाद यादव का जैसे नेता जो माननीय अल्पसंख्यक का, पिछड़ों का, दलितों का कोई नेता पैदा नहीं हुआ, जो माननीय लालू प्रसाद ने किया उसी का जुल्म है, उसी की गरीब, उसी गरीब को जेल में डालने का काम हमने नहीं कि हमारे मोदी तो आज किया है, उस जमाने में कांग्रेस ने कि वो कमेटी का गठन करें और हर वर्ग से सुवर मुंह छू करके इस दल को इतनी मजबूती दी जाए ताकि मुझे अफसोस ना हो, अफसोस की बात ना करना पड़े। हमारे जैसे लोग, हमारे जैसे जब दिल पर चोट पहुंचती है कि इस दल को हमने, माननीय लालू प्रसाद जी का मैं सम्मान करता हूँ, ऐसे लालू प्रसाद
प्रचार होता तो ऐसे नेता जो माननीय अल्पसंख्यक का और पिछड़ों का दलितों का कोई नेता पैदा नहीं हुआ, जो माननीय लालू प्रसाद ने किया उसी का जुल्म है, उसी की गरीब, उसी गरीब को जेल में डालने का काम हमने नहीं कि हमारे मोदी तो आज किया है, उस जमाने में कांग्रेस ने। समाचारों में अभी और भी है, आप देखते रहिए भोजपुर दर्शन। आंख नहीं तो संसार नहीं, आंखों का संपूर्ण जांच आधुनिक मशीनों एवं कुशल डॉक्टरों के द्वारा कराने के लिए आपका अपना एसआर हॉस्पिटल, जहां उचित मूल्य पर साल भर फेको मशीन के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन, आंखों की पर्दा की फंडस फोटोग्राफी की आधुनिक मशीन, स्वच्छ एवं वातानुकूलित व्यवस्था के साथ ही वार्ड की भी सुविधा। संपूर्ण आंखों के इलाज के लिए संपर्क करें एसआर हॉस्पिटल, डीएम कोठी रोड, पीर बाबा मोड़ के पास आरा। संपर्क नंबर है 06182248789, मोबाइल नंबर है 9065441442। शादी विवाह के शुभ अवसर पर हॉलमार्क ज्वेलरी सोना चांदी के फैंसी गहनों के साथ आकर्षक साड़ियों के विक्रेता लल्लू शाह एंड सन्स ज्वेलर्स एवं साड़ी वाला, जेल रोड मैना सुंदर धर्मशाला के पास आरा, जहां एक ही छत के नीचे अब गहनों के साथ कपड़े भी खरीदें। डायमंड ज्वेलरी एवं ब्रांडेड ज्वेलरी के एक से बढ़कर एक डिजाइन किए हुए गहनों की खरीदारी एकमात्र भव्य शोरूम में, जिसका नाम है लल्लू शाह एंड सन्स ज्वेलर्स एंड साड़ी वाला, जिसका पता है मैना सुंदर धर्मशाला के पास जेल रोड आरा। मैं तेनु समझावांगी ना तेरे बिना लगता जी। ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय फ्रॉम प्ले टू स्टैंडर्ड 10 विथ 3D प्रिंटिंग एंड रोबोटिक्स, ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय बामपाली आरा। बासु ITI NCVT DGET से मान्यता प्राप्त, आप सभी के सहयोग से लगातार 4 वर्षों से सफल होंडा कंपनी अहमदाबाद 2-व्हीलर्स और मैन फोर्स टाटा झारखंड 4-व्हीलर्स दोनों कंपनियों में लगभग 50 छात्रों की नियुक्ति तथा 100% छात्रों की नियुक्ति के लिए प्रयासरत। इलेक्ट्रीशियन, हीटर, डीजल मैकेनिक इत्यादि की तैयारी के लिए संपर्क करें बासु ITI कुलहरिया आरा भोजपुर, मोबाइल नंबर 9430032301 9334192301। शाहबाद की सर्वाधिक पुरानी लोकप्रिय एवं लाखों संतुष्ट ग्राहकों की अपनी दुकान कुमार एंड सन्स ज्वेलर्स, आपको मिलता है 75% तथा 91.6% हॉलमार्क सोने के जेवरों के साथ शुद्ध चांदी के गहने, चांदी के बर्तनों के अलावा ब्रांडेड हीरे के जेवर तथा ग्रह रत्नों के विक्रेता। हीरे के जेवरों पर फ्लैट 15% की छूट पाने के लिए अवश्य पधारे शाहबाद की सर्वाधिक पुरानी आपकी अपनी दुकान अर्खेम कुमार एंड सन्स ज्वेलर्स गोपाली चौक। के उज्जवल भविष्य के लिए अंत वातावरण में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु संपर्क करें बालिका उच्च विद्यालय महादेवा रोड आरा। बंधुओं कृपया ध्यान दें, रामा डेंटल हॉस्पिटल सर्किट हाउस के सामने पकड़ी चौक आरा, जहां निशुल्क मुंह एवं दांतों की बीमारियों का अनुभवी दंत चिकित्सकों के द्वारा इलाज किया जाता है। समय सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक। पता याद रखें, रामा डेंटल हॉस्पिटल सर्किट हाउस के सामने पकड़ी चौक आरा। जीवन में भरिए खुशियों के रंग, डॉक्टर्स की पूरी टीम है आपके संग। जी हाँ, डॉक्टर्स की पूरी टीम है आपके संग। खर्च कम, सुविधा अधिक, रामा डेंटल हॉस्पिटल। जी हाँ, शहर का सबसे किफायती एवं विश्वसनीय दंत चिकित्सालय, निशुल्क मुंह एवं दांतों की बीमारियों का इलाज, वरिष्ठ एवं अनुभवी दंत चिकित्सकों की टीम द्वारा विश्व स्तरीय इलाज प्रदान किया जाता है।
आज ही पंजीयन कराएं। पंजीकरण अवधि सीमित समय तक। विशेष जानकारी एवं सेवाओं के लिए संपर्क करें सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक रामा डेंटल हॉस्पिटल सर्किट हाउस के सामने पकड़ी चौक आरा भोजपुर। ब्रेक के बाद भोजपुर दर्शन में पुनः आपका स्वागत है। वार्ड सदस्यों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक बैठक आयोजित किया। बैठक के माध्यम से वार्ड सदस्यों ने मानदेय में बढ़ोतरी के साथ ही बकाये वेतन की भुगतान पर विशेष विचार विमर्श किए। वार्ड सदस्यों का कहना है कि सरकार उनका मानदेय अभी तक नहीं बढ़ा है, जो घोषणा हो चुकी है। वार्ड सदस्यों की मांग है कि सरकार यथाशीघ्र उनका मानदेय में बढ़ोतरी करे। पूरा एक प्रचार प्रसार में आज से लग जाए के बाद हैंडबिल रसीद सब आ जाता। सब जगह से अपना व्यवस्था करके बांटे के बाद सब जगह हर प्रखंड में अपन बैनर लग जी। बैनर लगाते हुए वो दिन गाड़ी से पक्षी के प्रदर्शन करी जा जन से सरकार के नजर में आई जा कि ना अब एकनियों के उपेक्षा कर ठीक नहीं है। भले निचला प्रधान को बांध सब लेकिन पूरा संगठन पूरे बिहार में बा और सब शक्ति से नारी शक्ति के आगे हमनी के रखे। नारी पर भी ध्यान देवे के बाकी जितना महिला हमनी के भोजपुर जिला से उठा के लेके चल जाए पर विशेष करके ध्यान देवे के ऊर्जा के जितना से ज्यादा संख्या में चल जा और सब लोग इकट्ठा बने एक जगह बने बिहार प्रदेश में जो रैली होता वो भोजपुर में सबसे अधिक संख्या में हमनी के आज एक बैठक किया आपने, बैठक का उद्देश्य क्या है? हम लोग तमाम बिहार से जो आवाज उठी है वार्ड सदस्य संगठन के तरफ से कि 1 मार्च को हम लोग को महारैली करना है पटना मिलर हाई स्कूल में और तमाम बिहार के वार्ड सदस्य हम लोग इकट्ठा होकर सरकार के समक्ष अपनी को मांग को रख रहे हैं। पहला मांग है हम लोग का वेतन भत्ता और दूसरा पेंशन। ये दोनों मांगों के लिए हम लोग को बिहार के तमाम वार्ड सदस्य सभी लोग हम लोग इकट्ठा हुए हैं और आज हम लोग भोजपुर जिला में बैठे हैं कि भोजपुर जिला को जगा करके हम लोग 1 मार्च को पूरे पुरजोर तरीके से यहां से हम लोग मिलर हाई स्कूल में वार्ड सदस्य को उठाएं ले जाएं और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें सरकार के समक्ष और सरकार को ये हम बताएं कि हम लोग जाग उठे हैं, एक हो चुके हैं, हमारी उपेक्षा न की जाए। हमारी उचित जो वेतन भत्ता है 5,000 रुपए का वो हमें मिलना चाहिए और इसके लिए हम लोग पूरे प्रखंड से तैयारी कर रहे हैं। आज हम लोगों ने शपथ लिया है कि हम लोग इकट्ठा होकर 1 मार्च को चलेंगे और वहां पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे और वेतन भत्ता और पेंशन का हम लोग अगर सरकार आपकी मांगे पूरी नहीं कर सकती है अगर चरण चरण बंद आंदोलन पहले तो हम लोग आराम से मांग को अपनी मांगेंगे लोकतंत्र के दायरे में रह के अपनी मांगों को मांगेंगे। अगर वैसे नहीं सुनी जाती है तो हम लोग विधानसभा में भी अपनी अगर वैसे अगर नहीं सुनी जाती है तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन पे उतरेंगे और किसी तरह से सरकार को ये मानना होगा क्योंकि उसी तर्ज पर हम लोग मांग रहे हैं जिस तर्ज पे वो लोग खुद का पेमेंट अपने खुद बैठ करके एमएलए होते हैं अपने बैठ करके ही अपने पेमेंट को लागू करवा लेते हैं बढ़ा लेते हैं। तो हम लोग भी नीचे पौधान के वार्ड सदस्य हैं, हम लोग भी जनप्रतिनिधि हैं, जिस तरह के उनकी फैसिलिटीज मिलती हैं हमें भी मिलना चाहिए, चाहे वो 2 रुपए का हो चाहे 500 रुपए का हो, हमको उससे उपेक्षा ना की जाए। परिचय बता दीजिए। वार्ड सदस्य संघ प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ प्रतिनिधि धनजीत कुमार जी। आज हम लोग भोजपुर जिला वार्ड महासंघ के तत्वाधान में आज हम लोग गोहना रोड में यहाँ बैठक किए हुए हैं। बैठक का हम लोग एक और मूल उद्देश्य हो गया, जानते हैं आप लोग कि अपना देश जो भारत है आज बहुत दुखी का दुख में है, जो कि पुलवामा में हमारे वीर शहीद भाई जो 40 के संख्या में आज शहीद हो गए हैं उनको हम लोग बहुत दुखद मन से नमन करते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, सत सत नमन करते हैं और पूरे उनके साथ उनके परिवार को संवेदनाशील कहते हैं कि हे प्रभु उनके परिवार को सहन शक्ति दो
और हम ये भी अपना आंदोलन के जो हमारा आंदोलन रखा गया है मार्च को, 1 मार्च को जो पूरे प्रदेश वार्ड महासंघ के हवाले से यहाँ सूचना मिला, हर जिले में बैठक हो रहा है, हर प्रखंड में बैठक हो रहा है कि हम लोग जिस तरह से पहले 7 नीचे के प्रति एक बार हम लोग आंदोलन किए थे पटना जाकर, गर्दनी बाग में 106 आदमी जेल जाने का भी हम लोग काम किए हैं, ठीक उसी तरह उससे भी ज़्यादा कई तादाद में उस वक्त तो हम लोग भोजपुर और कुछ बक्सर के वार्ड सदस्य मिलकर धरना प्रदर्शन दिए थे, तो 7 नीचे योजना मिल गया। तो आप लोग को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ, मीडिया दर्शी भाई बंधुओं को, कि इतने दूर से हमारी आवाज़ को मीडिया में समाज में बताने के लिए आप लोग उपस्थित होते हैं, धन्यवाद के पात्र हैं आप लोग। आप पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं मांग पूरा करेगी, तो मैं बता दूं आपको कि इस बिहार प्रदेश में नीतीश कुमार जो वार्ड सदस्यों को मान सम्मान दिए हैं और जो वार्ड सदस्यों का बात मानते हैं, उस तरह का किसी संगठन का बात नहीं मानते हैं, मैं दवा के साथ कह सकता हूँ। नीतीश सरकार या जो भी हमारे ऊपर के बिहार के मंत्रीगण हैं, सभी लोग से हम लोग बात किए हैं, सभी लोग बोल रहे हैं कि आप लोग जितना मान सम्मान सरकार आप लोगों को दिया है, उतना मान सम्मान और उतना जिम्मेदारी के साथ आप लोग सरकार के पास आवे और दिखाएं अपना शक्ति कि आप लोगों में कितना शक्ति है, तभी आप लोगों का मांग पूरा होगा। कश्मीर में हुई सीआरपीएफ के जवानों पर भोजपुरिया जन मोर्चा के द्वारा इसके विरोध में जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष धरना दिए और पाकिस्तान के विरोध में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने नारे भी लगाए। साथ में भोजपुरिया जन मोर्चा के कार्यकर्ताओं का कहना है कि भारत सरकार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे। आतंकवाद के शिक्षा के माध्यम से देश में बहाना देने वाला लोगों के सफाया करने की जरूरत बा। जहाँ कहीं भी आतंकवाद के भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल, तो वर्तमान काल तो चल रहा था, भविष्य क्या हुई हमनी के लेकिन जादव, लेकिन भूत भूत बहुत खराब रहा था। आजादी लोगन के गुमराह करे के काम कही जा रहा कि एकरा बाद ना उरी के बाद ही पुलवामा भी हो गई और समय में के रह गई हमने घेरी हमने के हलवा एक के बदला 10 सिर रहने वाला लोग आज कहा बा। हम भोजपुरिया जन मोर्चा के माध्यम से अपन राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत आतंकियों द्वारा हो रही अत्याचार के विरोध में भोजपुरिया जन मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत सिंह चौधरी के नेतृत्व में हम लोग आक्रोश मार्च निकाले हैं। इसकी खत्मा के लिए विश्व से आतंक को खत्मा के लिए हम जन आक्रोश मार्च निकाले हैं। जब तक जन आतंकवाद का समाप्ति नहीं हो जाती है तब तक विश्व के लोग आम चैन का चैन नहीं लेंगे। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा गजेंद्र चौधरी। पुलवामा में हमला किया गया है जवानों पर, क्या बोलेंगे उसके बारे में? सरकार कितना सहमत, सरकार आखिर क्यों नहीं एक्शन ले रही है? सरकार जो है एक्शन नहीं ले रही है, सरकार के ऊपर भी कुछ बहुत सारी जिम्मेवारियाँ हैं, दबाव है, जिसके वजह से सरकार जो है पूरी एक्शन में नहीं आ रही है। सरकार को चाहिए कि सेना को ही पावर दे दे कि अपना जो है जो भी कार्रवाई करे, सेना को ही जो है कमान करने के लिए जो है उसको स्वतंत्र रूप से जो है दे दे कि हाँ कश्मीर में जो है हमारी भारतीय सेना ही जो है युद्ध करके अपना वहाँ का जो भी समस्या है उसको समाधान कर ले। लेकिन सरकार जो है नहीं चाह रही है कि हम सेना को इस तरह का पावर दें, ताकि सेना को अगर पूरी फूल अगर ताकत मिल जाती है तो ये आतंकवाद स्वयं ही अपने आप खत्म हो जाएगा। आप क्या मांग करते हैं सरकार से? हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हमारे जो भारत माता के जो वीर सपूत जो है इसी तरह से जो है अपना शहादत देते रहे और जो है सरकार जो है हाथ पर हाथ दे करके बैठे रहे, और क्या हम कह सकते हैं, हम लोग के भाई हो, हम लोग के जो है रिश्तेदार हो, जो भी जो है सेना में जा रहे हैं इस तरह से जो है बड़ी बड़ी संख्या में जो है घात लगाकर आतंकवादी जो है उनको मार रहे हैं और हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम अनिल कुमार सिंह, भोजपुरिया जन मोर्चा का प्रदेश महामंत्री। स्वतंत्रता सेनानी और समाज सेवी स्वर्गीय जनार्दन
पांडे की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें लोगों ने भावभीनी रूप से श्रद्धांजलि अर्पित किए। इस अवसर पर उनके शरीर को पार्थिव शरीर को देखने के लिए काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। काफी ही काफिलाओं के बीच स्वर्गीय जनार्दन पांडे का आज दाह संस्कार भी किया गया। स्वर्गीय जनार्दन पांडे सामाजिक कार्यों में काफी ही बढ़ चढ़ कर भाग लिया करते थे।
उपरांत जो एक काफिला निकला हुआ है, हजारों लोग देखने को मिल रहे हैं, क्या पहले तो मैं बता दूं आप लोगों के, जनार्दन पांडे जी हमारे दादाजी हैं, दादाजी थे, और ये समाज के प्रति, कोई भी समाज के प्रति, गरीबी जो गरीब लोग रहते थे उनको मदद करते थे। और धनबाद क्षेत्र, धनबाद झारखंड में इन्होंने 10 मंदिर अपने फंड से 10 मंदिर बनवाया है और 20-25 लड़कियों का शादी करवाया है। और समाज के प्रति जो भी गरीब दवा के बिना, खाना के बिना मरता था, उनको खाना और दवा उपलब्ध करवाते थे और समाज के प्रति जागरूकता रखते थे। इतने बड़े समाज से भी है, क्या इनको कोई पार्टी अभी तक लेने की कोशिश नहीं थी? किसी पार्टी में नहीं थे और ये विश्व हिंदू परिषद को हमेशा सपोर्ट करते रहे हैं और हिंदुत्व को लेकर चले हैं। इनके मरणोपरांत जो ये अपूर्णीय क्षति हुई है, क्या कहेंगे आप? इनसे क्षति पूरे धनबाद वासियों को और बिहार में शाहपुर वासियों को हुई है और हमें बहुत आहत पहुंची है। जो हमें 5 साल बाद देखने को मिला वो आज हमें देखने को मिल रहा है और हम बहुत दुखी हैं। आपका परिचय? रमेश पांडे, विश्व हिंदू परिषद। कैसे मृत्यु हुई इनकी? इनकी मृत्यु कैंसर हुई थी, इनको 2 महीने पहले कैंसर हुई थी, भेलोर में इलाज चला, उसके बाद ये फिर धनबाद आए, फिर हालत ख़राब हो गया, फिर इन्हें कलकत्ता ले गया गया और कलकत्ता में वेंटिलेटर पर 4 दिन रहे, उनके बाद इनकी मृत्यु कल सुबह 8:30 बजे हुई। इतना इनके मतलब मृत्यु में गाड़ियां आ रही है, कितनी टोटल गाड़ी होगी सुबह? टोटल गाड़ी लमसम 500 से प्लस है और ये सब उनके चाहने वाले हैं, जो उनके प्रति आदर्श रखते थे वो आए हुए। क्रियाक्रम में भी इससे भी ज्यादा उम्मीद की जा रही है कि बिल्कुल इन्होंने जो समाज को दिया है, हम कुछ भी करेंगे तो इनको समाज के प्रति जो इन्होंने किया है, हम उनका उधार नहीं चुका सकते हैं और हम अपने तरफ से कोशिश करेंगे कि इनका जो क्रिया हो या जो भी इनका पुण्यतिथि में कार्यक्रम हो वो भव्य हो, जो शाहपुर क्षेत्र में ना हुआ हो। जैसे कि आज ही आप लोग धनबाद से आए हुए हैं, इतने लोग उमड़ पड़े, इसका कारण क्या है? बस चाहने वाले हैं और गांव के प्रेमी, और गांव में ये बहुत पहले डॉक्टर रह चुके हैं और इलाज फ्री में करते थे, डॉक्टर थे ये, उसके बाद ये धनबाद गए। बजरंग दल के अध्यक्ष भी थे, अब क्या उपद खाली रहेगा या कोई? बजरंग दल का अध्यक्ष हम हैं, दादाजी सपोर्टर थे और गार्जियन थे हमारे। परिचय बताइए। रमेश पांडे, विश्व हिंदू परिषद अध्यक्ष, धनबाद। भोजपुर फुटबॉल लीग मैच के क्वार्टर फाइनल में आज 2 टीमों के बीच जमकर मुकाबला हुआ। इसी टीम में काफी ही कड़े मुकाबला में इस फुटबॉल मैच में अपने हर खिलाड़ी अपने प्रतिभा को दिखलाया। इस फुटबॉल मैच को देखने के लिए काफी संख्या में खेल प्रेमी वीर कुंवर सिंह स्टेडियम उपस्थित थे। समापन हो मारिए मारिए फोटो मारिए। अपना अपना
वर्ष समापन भएको हो। मारिए मारिए फोटो मारिए Come on.